हाउ चैंपियंस मिसलिनियस के रिमेनिंग क्वेश्चंस आज इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, आगे की एक्सरसाइज भी आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू मार्केट्स हैं, एक्स वाई जेड थ्री प्रोडक्ट्स हैं, उनका नंबर आपको गिवन है, यूनिट सेल प्राइजेज ऑफ एक्स वाई जेड भी गिवन है एंड यूनिट कॉस्ट प्राइस भी आपको गिवन है। एक तो रेवेन्यू फाइंड करना है, वो तो फर्स्ट आंसर में आ जाएगा, सेकंड में आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से अगर हम सेल प्राइस को माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को अगर हम माइनस करते हैं तो आता है लॉस, लेकिन सेल से अगर कॉस्ट को माइनस करें दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले 10,000, फिर 2,000, फिर 18,000, ठीक है, 6,000, 20,000 एंड 8,000। आप बताएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज हैं, टू रोज, कितने कॉलम्स हैं, थ्री, टू बाय थ्री। ये मार्केट वन के लिए है, ये मार्केट टू के लिए है। ये प्रोडक्ट एक्स को दिखा रहा है, ये वाई को दिखा रहा है और ये जेड को दिखा रहा है, थ्री आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या ऑर्डर लेना होगा कि रिजल्टेंट मुझे क्या मिल जाए, रिजल्टेंट मिल जाए 2/1। यस, इसका जो पहला नंबर होगा वो कितना होना चाहिए, 3, और सेकंड 1, तभी तो ऑर्डर 2/1 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमने क्या लेनी है, जो हमें सेल प्राइजेस गिवन है, सिंपली 2.50, देन 1.50 एंड 1.00, ठीक है। जब ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ तो बीच में प्लस आएगा, तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कॉलम के साथ, वो वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो केवल दो एंट्रीज होंगी, यानी मार्केट वन का रेवेन्यू वो हो जाएगा और मार्केट सेकेंड का रेवेन्यू ये हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 10,000 मल्टीप्लाई होगा 2.50 के साथ, फिर आप प्लस करेंगे 2,000 मल्टीप्लाई होगा 1.50 के साथ, फिर आप प्लस करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ये फर्स्ट एंट्री है, बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड एंट्री 6,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.50 के साथ, 20,000 मल्टीप्लाई होगा 1.50 के साथ और 8,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1.00 के साथ, और ये बन जाएगी आपकी टू एंट्रीज, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स को सेम रखना है, केवल यहाँ पर ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस यानी टोटल रेवेन्यू, ठीक। सेकेंड पार्ट में ये कॉस्ट आपने चेंज करनी है बाय दीज वैल्यूज, ठीक है। ये तीन एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो क्या आएगा, ये वैल्यू सेम रहेगी 2/3 और यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, दैट इज 2.00, 1.00 एंड 1/2, ठीक। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, फिर से हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा इस फॉर्म में, और लास्ट में हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, SP-CP, दैट इज अवर आंसर। जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें से माइनस करके ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, x इनटू कैपिटल x, यानी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल गिवन है हमें इसमें, और फाइंड करना है हमें x। अब x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, राइट। ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे आप, ऑर्डर पता लगेगा बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसका ऑर्डर मेरे पास है कितना है, टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, इसका ऑर्डर भी मेरे पास है 2/3, टू रोज हैं, थ्री कॉलम्स हैं। अब x का ऑर्डर कैसे निकालें हम, जो फर्स्ट नंबर है यहाँ रिजल्टेंट का वो इसका फर्स्ट नंबर होगा, और क्योंकि प्रोडक्ट भी पॉसिबल है तो जो इसका सेकंड नंबर, इसका फर्स्ट नंबर है वो इसका सेकंड नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर दिस प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ x मस्ट बी क्या होना चाहिए, 2/2। फिर आप इसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, जैसे ए बी सी और डी, 2/2 ऑर्डर आ गया,
ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है हमें ए बी सी डी किससे मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और किसके इक्वल रखना है, -7, -8, -9, 2, 4, 6 के इक्वल। इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, कैसे मल्टीप्लाई होगा, दिस रो बाय दिस कॉलम ए प्लस 4b, दिस रो बाय दिस कॉलम 2a 5b, अगेन दिस रो बाय दिस कॉलम 3a प्लस 6b। बिल्कुल ऐसे ही जब आप सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेंगे 4d, देन 2c प्लस 5d, अगेन 3c प्लस 6d, और किसके इक्वल रखना है हमें इसको, इसको इक्वल रखना है -7, -8, -9 एंड 2, 4, 6 के इक्वल। जब हम टू मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, ठीक है। तो तीन इक्वेशन आपको मिल जाएंगी एबीसी की फॉर्म में, कौन कौन सी, ए प्लस 4b इक्वल्स टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8 एंड 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9। बिल्कुल ऐसे ही तीन इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक हो गया, सीडी में। कैसे सॉल्व करना है, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, ठीक है। जब वो वैल्यू आ जाए उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जब आपको यहाँ से तीन इक्वेशन मिलेंगी, फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर दीजिए और उसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए कि जो सी डी की वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। जैसे ही हमें ए बी सी डी की वैल्यूज मिल जाएंगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो x हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा चेंज है। वो क्यों चेंज है कि उसको आपने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं इसको भी। बाकी जो 12th क्वेश्चन है वो आप इंडक्शन से करेंगे, इंडक्शन आपको पता ही है तीन स्टेप लेने होते हैं इंडक्शन के क्वेश्चन में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए हैं, बिल्कुल उसी टाइप से आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अब इसका मीनिंग क्या है कि आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, हमें ये मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले इन दोनों को आई डॉट आई, राइट, देन आई डॉट ए, फिर ए से इन दोनों को ए डॉट आई एंड ए डॉट ए, लेकिन अभी इसको हमें i प्लस ए से भी इंटू करना है, देन -7a। आई डॉट आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी, चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आप i के इक्वल ही आएगा। आइडेंटिटी की करेक्टरिस्टिक है कि उसको किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करो तो उसी के इक्वल आ जाएगा, और a इंटू ए मुझे क्या गिवन है, ए स्क्वायर, अगेन a के इक्वल, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, कितने a हो गए हमारे पास, 3a, -7a, ये मिल गया आई डॉट आई, अगेन आई, 3a डॉट आई, आई डॉट ए एंड 3a डॉट ए, राइट। फिर से a डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, a, यानी 3a, ये भी a और ये भी 3a, 3 प्लस 3 प्लस 1, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, आई डी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आपने कमेंट करना है। जैसे ही आप वीडियो देखें कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, आपके लविंग कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। और आज इस वीडियो में इतना ही, टिल देन, बाय बाय।